अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का तीन टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होते हैं, मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। बट दे आर ऑल्सो फाउंड एज मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। बट न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड भी पाए जाते हैं, मतलब वन न्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए और आरएनए। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए और आरएनए के पार्ट नहीं हैं। सम ऑफ दिस हैव एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप। मोनोन्यूक्लियोटाइड में एक एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप होता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड का जो एग्जांपल है वो है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। एटीपी जो है अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। एटीपी जो है वो एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम सेल प्लस टू प्लस विद इन द सेल। एटीपी जो है एनर्जी कैरी करता है फ्रॉम प्लस टू प्लस इन द सेल। इट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एटीपी। ये जो है एटीपी एटीपी से बनता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से। एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय कैप्चरिंग एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस कैप्चरिंग एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू ड्राइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन। यह जो एनर्जी है वो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन में, सच एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन को बनाना, लिपिड को बनाना, कार्बोहाइड्रेट को बनाना एंड मैकेनिकल एनर्जी फॉर द सर्कुलोसिस। और जो सेल की मूवमेंट है उसको एनर्जी देना, सेल डिवीजन को एनर्जी देना, मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के लिए एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एटीपी कंसिस्ट ऑफ द एडेनोसिन, एडेनिन एंड राइबोस शुगर। जो एटीपी में होता है या मोनोन्यूक्लियोटाइड में होता है, नाइट्रोजनस बेस वो होता है एडेनिन, ठीक है, एंड राइबोस शुगर एंड थ्री फास्फेट और तीन फास्फेट। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द एटीपी इनटू एडीपी, जब एक फास्फेट निकल जाता है एटीपी से तो एडीपी बन जाता है। The free energy releases which is considerable large। जो है एनर्जी रिलीज होती है, जो लार्ज एनर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल 31.81 किलो जूल और 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब स्टडी करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। टू न्यूक्लियोटाइड आर कोवेलेंटली बाउंडेड टूगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स आर डाइन्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली बाउंड हो जाएं आपस में और एक कंपाउंड बनाए जिसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इनका जो एग्जांपल है एनएडी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी इज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन प्रोटीन विच बाइंड टू एंजाइम प्रोटीन एंड सर्व एज कैरियर फॉर द केमिकल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन। और एनएडी जो है कैरियर केमिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियोटाइड का लास्ट पार्ट है पॉली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड एंड इंफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल। जो पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं वो न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं या इनको इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्बिनेशन होती है न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर्स की, जो मोनोमर्स मिलते जाते हैं तो
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। वो चार कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, या जो पॉली मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलते जाते हैं थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल है डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड।